हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग क्विक कॉन्सेप्ट एक करेंगे ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह है रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन लेकिन इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से जस्ट पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब आपके सामने एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आई आई नीट के सपने को साकार करने की अन अकेडमी डेली सेंटर पे जो कि जनकपुरी में और लाजपत नगर में है आप अगर चाहें तो किसी भी कोर्स के लिए नाइन्टी परसेंट स्कॉलरशिप तक अवेल कर सकते हैं यहाँ पर सब तरह के कोर्सेज हैं आई आई के लिए नीट यूजी के लिए एंड इवन फॉर द फाउंडेशन इस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप ऑनलाइन भी अवेल कर सकते हैं ये है वेबसाइट ust.unacademy.com और यहाँ पर जो आपके सामने क्यू आर कोड दिया हुआ है उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमेशा इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव और एट फाइव ठीक है तो आई होप दैट यू विल डू वॉट इज बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड गेट योर सेल्फ एनरोल्ड एट द नियरेस्ट अन अकेडमी सेंटर नाउ लेटस्ट कम टू टूडेज टॉपिक विच इज रोलिंग ऑन एन इनक्लाइंड सर्फिस देखो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं यहां पर डायनामिक्स ऑफ रोलिंग ऑन इनक्लाइंड प्लेन इसके पहले मैंने एक क्विक कॉन्सेप्ट बनाया था जिसमें मैंने प्योर रोलिंग को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बताया था अगर आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस की प्योर रोलिंग में कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखें यहाँ पर हम इनक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं जैसे अगर सपोज एक इनक्लाइंड प्लेन है, ये दो और ये तीन ठीक है भाई बन गया ट्राइंगल ये है थीटा थीटाइंग इस पर कोई ऑब्जेक्ट है अब ये ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है रिंग डिस्क होलोस्फियर सॉलिड स्फियर होलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर अब ये रोल करता हुआ आ रहा है इसका मास m है और इसका रेडियस है r और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है आई ठीक अब इसमें क्या क्या फोर्स लगेंगे देखो कंसीडरिंग द रिंग टू बी लाइक रफ एक तो इस पर लगेगा एम जी सही है ना एम जी अब ये जो एम जी है इस एम जी का एक कंपोनेंट एम जी थीटा और एक और कंपोनेंट एम जी थीटा। उसके अलावा एक इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और अब क्या है कि जैसे अगर आप देखें तो एन एम जी और, थीटा और एम जी साइन थीटा इनमें से कोई भी ना इसको घुमा नहीं पाएगा कोई टॉर्क नहीं दे पाएगा तो टॉर्क देने के लिए यहां पर जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली क्योंकि प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो लगेगा ऊपर की तरफ तो अगर हम इसके लिए इक्वेशंस लिखें तो एक इक्वेशन तो हो जाएगा कि एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एक और हो जाएगा कि एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस ज इक्वल टू एम ए दो इक्वेश और जब भी कभी प्योर रोलिंग हो रही हो तो सेंटर का एक्सेलरेशन अगर ए है और बॉडी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है तो एक रिलेशन बन जाता है ए इज इक्वल टू आर एल्फा अब अगर आप इसको सॉल्व करें ठीक है कौन-कौन से इक्वेशन्स थे? एक तो था N is equal to mg cos थीटा फिर एक क्या है mg sin theta minus fs is equal to ma. एक तीसरा क्या है a is equal to r alpha. लेकिन alpha यानी एंगुलर एक्सेलरेशन आया कहां से? तो वो आया इस फ्रिक्शन से फ्रिक्शन जो है अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो फ्रिक्शन की जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो सेंटर से आर डिस्टेंस पर है जहां आर क्या है आर इज द रेडियस तो अपन ये लिख सकते हैं कि टॉर्क जो होगी फ्रिक्शन की एफ एस आर ये टॉर्क होनी चाहिए आई एल्फा अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं देखिए जैसे ए इज इक्वल टू आर एल्फा लिखा हुआ है आप चाहें तो यहां से को लिख सकते हैं A by R. और जब इस एल्फा की वैल्यू आप रखें इस ऊपर वाले इक्वेशन में तो ये बनेगा एफ एस इन टू आर इज इक्वल टू आई और एल्फा मतलब ए बाई आर अब आर को ले जाओ नीचे एफ तो एस बन गया आई ए बाय आर स्क्वायर आई ए बाय आर स्क्वायर अब ये जो एफ एस आया है इसको रख दो यहां पे तो क्या बन गया देखो एमजी साइन थीटा माइनस एफ एस का मतलब आई ए बाय आर स्क्वायर ज इक्वल टू एम ना इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं एमजी साइन थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू आ गई ए और ब्रैकेट में एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर तो यहां से जो एक्सेलरेशन आया ना वो आया एम जी साइंस थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस अपॉन आर स्क्र यानी यह हो जाएगा एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रोल करते हुए तो यह आर स्कर को आप और भी सोल्व कर सकते हैं जैसे कि अगर आप आर स्क्वायर को एलसीएम लेकर फिर सोल्व करें तो यह बन जाएगा एम जी आर स्क्वाइन थीटा अपॉन आई प्लस MR MG, R sin theta upon I plus MR ठीक है है ना? ये है अगर आप फ्रिक्शन की बात करें तो एफ एस था देखो एफ एस इंटू आर था ना आई एल्फा एल्फा को लिखा था ए बाईर तो हो गया था आई ए बाय आर स्क्वायर तो मतलब ये जो ए है इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करना है और आई से मल्टीप्लाई करना है तो एफ एस बन गया एम जी आई साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अब यहां पर एक और छोटा सा लॉजिक आता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू तो लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन होती है ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि आया एम जी आई साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर इट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस और एन क्या है भाई एम जी कॉस थीटा तो अगर यहां से देखा जाए तो एम से एम कट गया तो कॉस थीटा दूसरी तरफ चला गया तो हम लिख सकते हैं कि जो म्यू एस होता है ना नाट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई टेन थीटापो आई प्लस एम आर तो एक्सेलरेशन फ्रिक्शन और कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू ये तीन चीजें जो है ये हमें समझ में आनी चाहिए अब इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंट प्लेन पर जा रहा है तो क्या होता है अगर आप सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉजिक लगाकर देखें सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन यहां बना लेते हैं और ये ठीक है अब एक ऑब्जेक्ट जो कि रिंग डिस्क हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर में से कुछ भी हो सकता है ये रोल करते हुए जा रहा है ये सपोज h हाइट थी रोल करते हुए सपोज ये ग्राउंड पर पहुंच गया तो सोचो कि शुरू में इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो यानी हम लिख सकते हैं कि जो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच वो बाद में काइनेटिक एनर्जी बन गई लेकिन चूंकि ये बॉडी प्योर रूलिंग कर रही है इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशन वाली भी होगी और रोटेशन वाली भी होगी तो एम जी एच को लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लेकिन अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग के केस में तो आपको पता है कि वी को आर ओमेगा लिखा जाता है मतलब कि ओमेगा हो जाएगा वी बाय आर अगर इस ओमेगा की वैल्यू वी बाय आर हम ऊपर वाले इक्वेशन में रख दें तो ये आएगा एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई और ओमेगा को वी बाय आर लिखा ना वी स्क्वायर बाय आर स्क्वा एम जी एच इक्वल टू आया देखो एलसीएम में ले लिया टू आर स्क्वायर तो यहां टू है तो आर स्क्वायर ऊपर आ गया तो एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस आई वी स्क्वायर तो स्क्वायर कॉमन आ गया टू एम जी आर स्क्वायर एच और नीचे आई प्लस एम आर स्क्वायर इसका मतलब ये कि जो वेलोसिटी होगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ टू एम जी आर स्क्वायर एच अपॉन आई प्लस एमआर देखिए ये वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो नीचे आ जाता है अब ये तो बात हो गई खैर सिंपल सिंपल डेरिवेशन की पर इसके बाद ना मैं आपको एक टर्म बताना चाहता टर्म है ये एस टी एच आर एस का मतलब है यहां पर सॉलिड स्पियर डी का मतलब है डिस्क एच का मतलब है हॉलोस्फियर और आर का मतलब है रिंग अच्छा डिस्क जो है ना आप चाहें तो डिस्क को यह भी लिख सकते हैं सॉलिड सिलेंडर और अगर ये रिंग है तो इस रिंग की जगह आप लिख सकते हैं हॉलो सिलेंडर तो ये क्या चीज है तो अगर मान लो चार ऑब्जेक्ट लिए जाए स्फीयर डिस्क होलोस्फियर रिंग और एक इंक्लाइन प्लेन से जो कि रफ है उनकी रेसिंग करवा दी जाए तो सॉलिड स्फीयर फर्स्ट आ जाता डिस्क आती है सेकंड, फॉलोस्फियर आता है थर्ड और रिंग आता है फोर्थ ठीक है तो ये है आज का क्विक कॉन्सेप्ट रोलिंग ऑन द इनक्लाइंट प्लेन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच क्विक कॉन्सेप्ट्स, टिल देन बाय बाय